हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम शमाइल है, आप लोग देख रहे हैं मार्केटेक न्यूज। स्टार्ट करता हूँ आज की वीडियो। आज मैं करूँगा कंप्लीट कंपैरिजन सैमसंग गैलेक्सी A50s का वीवो Z1X से, और आपको बताऊँगा इन दोनों में से कौन सा फ़ोन आपको लेना चाहिए। तो हमेशा की तरह मैंने 5 फोन का कंपैरिजन किया है, बिल्ड क्वालिटी, स्क्रीन, कैमरा, परफॉर्मेंस, बैटरी और जो अदर फीचर है मैं आपको वीडियो में आगे जाके बता रहूँगा। सबसे पहले बात करूँ और दोनों की बिल्ड क्वालिटी की, तो दोनों में आपको प्लास्टिक बिल्ड क्वालिटी मिलती है। देखने में दोनों बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगते हैं, लेकिन इन दी एंड दोनों में प्लास्टिक बिल्ड क्वालिटी मिलती है। तो अगर आप दोनों में से कोई भी फ़ोन ले रहे हैं तो साथ में जो केस आ रहा है उसको ला के रखें, वरना दोनों की जो खूबसूरती है आपके फ़ोन की वो बहुत जल्दी स्क्रैचेज आ जाएंगे। अब मैं बात करूँ दोनों की स्क्रीन की, तो दोनों में आपको 6.4 इंच का डिस्प्ले मिलता है और दोनों के दोनों फुल HD प्लस पे आते हैं और दोनों में सुपर AMOLED डिस्प्ले है। इसका मतलब दोनों ही में बहुत ही ऑसम डिस्प्ले मिलता है आपको, क्योंकि सुपर AMOLED है तो कलर भी क्रिस्प होंगे, देखने में काफ़ी अच्छा लगेगा, डायरेक्ट सनलाइट में आप आराम से यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पर आपको जो है दोनों में ही वाटर ड्रॉप नॉच मिलती है, तो सामने से बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं दोनों। अब मैं बात करूँ अगर दोनों की परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पर काफ़ी कोई डिफरेंस है। पहले बात करूँ अगर सैमसंग गैलेक्सी A50s की, तो वहाँ पर आपको सैमसंग का खुद का 9611 प्रोसेसर मिलता है, जो कि एक मिड रेंज प्रोसेसर है। इसका जो N22 स्कोर है वो है 1,55,000। और यहाँ पर जो परफॉर्मेंस है आपको, आप कोई भी गेम आराम से खेल सकते हो, पबजी जैसे गेम आप मीडियम पे आराम से खेल सकते हो, हाई पे भी खेल सकते हो, कोई भी इशू आपको देखने को नहीं मिलेगा। आप ऐप के बीच में स्वैप आराम से कर सकते हो, लैग वगैरह कुछ भी आपको देखने में नहीं मिलेगा। लेकिन अगर बात करूँ अदर हैंड आपसे वीवो Z1X की, तो वहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन का 712 का प्रोसेसर मिलता है, जो कि एक बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर है। यहाँ पर जो N22 बैंड में स्कोर है वो ऑलमोस्ट 1,80,000 तक है, तो यहाँ पर आपको बहुत ही ऑसम, बहुत ही स्मूथ जो है वो परफॉर्मेंस मिलती है। आप आउट ऑफ द बॉक्स यहाँ पर फोर्टनाइट खेल सकते हो, पबजी आप हाई सेटिंग पे खेल सकते हो, कोई इशू नहीं आने वाला, और ग्राफिक भी अभी काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगेंगे क्योंकि दोनों में ही स्क्रीन बहुत अच्छी है। तो अगर मैं बात करूँ दोनों की परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस के मामले में आपको वीवो Z1X ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस देगा और सैमसंग A50s भी अच्छी देगा, लेकिन अगर आप डायरेक्टली कंपेयर करते हो तो सैमसंग थोड़ा सा नीचे रहता है। अब मैं बात करूँ दोनों के कैमरा की, तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सिमिलरिटीज़ हैं, मतलब ऐसा लगता है कि दोनों कंपनियों ने कैमरा साथ बैठ के मिल के बनाया है। मैं बात करूँ अगर दोनों के मेन कैमरा की, तो दोनों में आपको 3 मेन कैमरा मिलते हैं, 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर F1.8 अपर्चर के साथ, सेकंड सेंसर है 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल मोड, और थर्ड सेंसर है 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। और यकीन माने दोनों में ये तीनों बिल्कुल सेम है। और यहाँ पर आपको जो क्वालिटी मिलती है दोनों में ही बहुत ही अच्छी क्वालिटी, डिटेलिंग बहुत अच्छी आती है, डे लाइट शोज भी बहुत अच्छे होते हैं, लो लाइट शॉट में भी आपको ग्रीन ज़्यादा नहीं मिलते, ज़्यादा पिक्सल फटे हुए नहीं मिलते, डिटेल इमेजेस मिलती हैं, और ओवरऑल जो पिक्चर प्रोसेसिंग है वो भी दोनों की बहुत अच्छी है। तो यहाँ पर पिक्सल काउंट तो अच्छा है लेकिन प्रोसेसिंग भी ज़्यादा अच्छी है, तो यहाँ पर आपको ओवरऑल जो पिक्चर मिलती है बहुत ही शानदार मिलती है। अब मैं बात करूँ दोनों की सेल्फी कैमरा की, तो यहाँ पर भी दोनों बहुत ही ज़्यादा सिमिलर हैं। यहाँ पर आपको दोनों में 32 मेगापिक्सल का एक बहुत ही बड़ा सेंसर मिलता है, तो कैमरा के हवाले से दोनों बहुत ही लाजवाब है। अगर आपको सेल्फी अच्छी चाहिए तो इन दोनों में से कोई एक ले लें, अगर आपको मेन कैमरा अच्छा चाहिए तो इन दोनों में से कोई एक ले लें, दोनों ही बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। अब मैं बात करूँ दोनों की बैटरी की, तो यहाँ पर चेंज है। आपको वीवो Z1X में मिलती है 4500 mAh की बैटरी, USB टाइप सी का पोर्ट, और जो फास्ट चार्जिंग है वो है 22.5 वाट की चार्जिंग है फास्ट, मतलब इतनी ज़्यादा फास्ट चार्जिंग आपको मिल रही है वीवो में, जो आपकी 4500 mAh बैटरी को यूं चार्ज कर देगी, यूं तो नहीं करेगी लेकिन काफ़ी जल्दी कर देगी। लेकिन अगर बात करूँ सैमसंग गैलेक्सी A50s की, तो वहाँ पर आपको 4000 mAh की बैटरी मिलती है, जो कि कम है, और यहाँ पर आपको जो फास्ट चार्जिंग मिलती है वो भी सिर्फ 15 वाट की है। तो इन टर्म्स ऑफ बैटरी और फास्ट चार्जिंग वीवो Z1S द क्लियरली विनर। अब आपको कौन सा फ़ोन लेना चाहिए, ऐसे दोनों फ़ोन में आपको ड्यूअल सिम प्लस मेमोरी कार्ड की सपोर्ट मिल जाती है, और
दोनों फ़ोन्स में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलते हैं ऑप्टिकल वाले, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो अगर आप इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी चाहते हो तो वो भी इन दोनों सेट्स में अवेलेबल हैं। अब कौन सा फ़ोन लेना चाहिए, देखिए दोनों फ़ोन में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं, स्क्रीन दोनों की सेम है, कैमरा दोनों की सेम है। अगर आपको ज़्यादा बैटरी चाहिए और अगर आपको परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए तो वीवो Z1X लें। लेकिन अगर आपको सैमसंग का वन UI चाहिए और आपको जो है सैमसंग का फ़ोन लेना है तो सैमसंग गैलेक्सी A50s भी बहुत अच्छी चॉइस है। फिर सैमसंग के जो रीसेल वैल्यू वो भी ज़्यादा होती है और सैमसंग ज़्यादा जो है बंदा ब्रांड भी देखता है। तो ये था कंप्लीट कंपैरिजन। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।